जो अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग से जो भी पढ़े लिखे आ रहे हैं अभी और नौकरियों में लग रहे हैं, अधिकतर लोगों का ये रहता है कि सरकारी नौकरी में चले जाएं तो जीवन सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वही नौकरी में आरक्षण प्राप्त कर सकता है, नौकरी में आरक्षण दूसरा तो जो पढ़ा लिखा नहीं है वो तो प्राप्त नहीं कर सकता। तो इतने वर्षों तक, 70 वर्षों तक जो पढ़े लिखे थे, अब पढ़े लिखे कितने थे, यदि 16% ऐसी मैं अपना समाप्त कर रही हूँ, बस ये बता करके समाप्त कर रही हूँ कि जो 16% आरक्षण है वो 16% में जो पढ़े लिखे लोग थे उन्हीं को मिला है, 100% को अभी भी नहीं मिल रहा है। तो शिक्षा की व्यवस्था नहीं करेंगे तो 100% को नहीं मिलेगा। फिर जब 100% को आरक्षण नहीं मिल रहा, वो नौकरियों में नहीं जा पा रहे, तो बाकी के लोग क्या कर रहे हैं? बाकी के लोग कर रहे हैं मजदूरी का काम कर रहे हैं, कैटरिंग का काम कर रहे हैं, सफाई का काम कर रहे हैं, छोटे छोटे कामों में लगे हैं, बुनकर का काम कर रहे हैं। तो ऐसे छोटे छोटे काम में लगे हुए लोग भी समाप्त करें, जीवन स्तर अच्छा उठा सकें, वो भी कोई काम धंधा कर सकें, क्योंकि अनुसूचित जाति के लोग रिस्क लेने में माहिर नहीं है, वो रिस्क नहीं ले सकते, उनको डर लगता है क्योंकि उनके पास छोटी पूंजी होती है, थोड़ी पूंजी होती है। माननीय अम्बेडकर जी ने एक संदेश दिया था, मैं वहाँ से अपनी बात को शुरू करती हूँ। और उन्होंने दलित समुदाय के लिए एक संदेश दिया था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। माननीय अम्बेडकर जी ने ये जो संदेश दिया, इस संदेश को सब लोगों ने, इस नारे को, इसको नारा बनाया। और जब उनकी जन्म शताब्दी आती है या उनका निर्वाण दिवस आता है तो हम इस नारे के साथ उनकी बात को शुरू करते हैं। लेकिन शिक्षित बनने के लिए सरकारों ने क्या किया ताकि इस वर्ग को ऊंचा उठाया जा सके, आगे लाया जा सके, उसके लिए मैं चर्चा करना चाहूँगी। क्या किया 70 साल से 72 साल से 75 साल से जिस पार्टी ने शासन किया इस देश में, क्या वो शैक्षिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, इस वर्ग के शैक्षिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कुछ विशेष व्यवस्थाएँ कर सका क्या? नहीं किया। सरकारी स्कूल जहाँ पर टीचर नहीं, आज भी ये समस्या है, 75 सालों बाद भी आज ये समस्या है, जहाँ टीचर नहीं है, जहाँ स्कूल के भवन नहीं है, जहाँ पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, जहाँ शौचालय नहीं है और जहाँ बच्चों का नामांकन नहीं है, जिन स्कूलों में टीचर ना हो, ऐसी स्कूलों में क्या इस वर्ग के बच्चे जाकर के हम ये अपेक्षा कर सकते हैं क्या कि वो उन बच्चों के समकक्ष खड़े हो जाएं जो स्वर्ण समाज से आते हैं या वहाँ से आकर के स्कूल में पढ़ते हैं? माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि आप तो आरक्षण के कारण से आ गए हैं, आप में तो योग्यता ही नहीं है, आप में तो कुछ करने की क्षमता ही नहीं है। जो वर्ग पीढ़ियों से, हजारों सालों से दलित रहा है, उस वर्ग से आप अपेक्षा करें कि वो सीधे इन 50 सालों में आपके समकक्ष आकर के खड़ा हो जाए, और वो भी तब जब आपने संसाधन उपलब्ध नहीं कराए, जब आपने उनको आगे बढ़ाने की कोई इतनी अच्छी कोशिश नहीं की है जितनी अच्छी कोशिश होनी चाहिए थी। 10 गुना कदम हम आगे बढ़ाते तब जाकर के हम समाज में समरसता कायम कर सकते थे, तब जाकर के हम समाज में सबको बराबरी पर ला करके खड़ा कर सकते थे। पर आज हो क्या रहा है माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि जब संविधान लागू हुआ, संविधान में आरक्षण की व्यवस्था हुई, माननीय अंबेडकर जी ने छुआछूत को अपराध घोषित कर दिया और सभी को समानता का दर्जा दिया, सभी को मौलिक अधिकार दिए। लेकिन उस समय हमारे समाज की परिस्थितियाँ क्या थी? उस समय हमारे समाज की परिस्थितियाँ ये थी कि जातिवाद के नाम से आधा समाज तो पिछड़ा था और आधा समाज अग्रणी था। ऐसी स्थिति में जो पिछड़ा समाज था उसको शिक्षा की व्यवस्थाएं करने की कोशिश की गई, सरकारी स्कूल उनके लिए बनाए गए, छात्रवृत्तियों की व्यवस्था उनके लिए की गई। लेकिन इन 40-50 सालों में वो जो पिछड़ा वर्ग का समाज था ना, आज भी माननीय मंत्री महोदय एक सर्वे करा लेना, आंकड़े उठा करके देख लेना, हायर एजुकेशन में और टेक्निकल एजुकेशन में SC ST के छात्रों की संख्या नगण्य के बराबर है। और आज अनुसूचित जाति के जो माता पिता है ना, जिनके बच्चे, जिनकी पीढ़ी में आज कोई 10वीं पास भी नहीं है, आज के समय भी किसी ने 10वीं पास नहीं करी, जिन घरों में, जिनकी पीढ़ियों में, वो बहुत खुश होते हैं माननीय सभापति महोदय, अरे मेरा बच्चा 10वीं पास हो गया, अरे मेरे बेटे ने ग्रेजुएशन कर लिया, देखो ये तो कॉलेज चला गया। लेकिन उस बेचारे माँ बाप को ये पता नहीं है कि आज का सिंपल ग्रेजुएशन उसके बच्चे का भविष्य नहीं बना सकता, क्योंकि आज जो व्यवसायिक शिक्षा की आवश्यकता है, जो टेक्निकल शिक्षा की आवश्यकता है, उस तरफ उसका कदम नहीं उठ सकता।
एक ब्राह्मण का बच्चा जब पैदा होता है ना, तो वो माँ से संस्कार लेके आता है घर में, वो मंत्रों को सीख करके आता है। और जब एक अनुसूचित जाति के परिवार में बालक पैदा होता है ना, तो दिन भर की रोजी रोटी का मशक्कत करते हुए, और उसको पता नहीं होता है कि वो जो घर में बोलने वाली चीज़ है और स्कूल में बोलने वाली चीज़ें, उनमें कितना अंतर है। इसलिए माननीय सभापति महोदय आपसे निवेदन करूँगी, मंत्री महोदय से निवेदन करूँगी, मंत्री महोदय इस बात में मत पड़िएगा कि बीजेपी ने क्या किया और कांग्रेस ने क्या किया। ये करिएगा कि आने वाले समय में और हम चार गुना गति से इसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। अभी सभी माननीय सदस्यों ने बात करी प्रमोशन में रिजर्वेशन की। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि जो अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग से जो भी पढ़े लिखे आ रहे हैं अभी और नौकरियों में लग रहे हैं, अधिकतर लोगों का ये रहता है कि सरकारी नौकरी में चले जाएँ तो जीवन सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वही नौकरी में आरक्षण प्राप्त कर सकता है, नौकरी में आरक्षण दूसरा तो जो पढ़ा लिखा नहीं है वो तो प्राप्त नहीं कर सकता। तो इतने वर्षों तक, 70 वर्षों तक जो पढ़े लिखे थे, अब पढ़े लिखे कितने थे, यदि 16% ऐसे थे, मैं अपना समाप्त कर रही हूँ, बस ये बता करके समाप्त कर रही हूँ कि जो 16% आरक्षण है वो 16% में जो पढ़े लिखे लोग थे उन्हीं को मिला है, 100% को अभी भी नहीं मिल रहा है। तो शिक्षा की व्यवस्था नहीं करेंगे तो 100% को नहीं मिलेगा। फिर जब 100% को आरक्षण नहीं मिल रहा, वो नौकरियों में नहीं जा पा रहे, तो बाकी के लोग क्या कर रहे हैं? बाकी के लोग कर रहे हैं मजदूरी का काम कर रहे हैं, कैटरिंग का काम कर रहे हैं, सफाई का काम कर रहे हैं, छोटे छोटे कामों में लगे हैं, बुनकर का काम कर रहे हैं। तो ऐसे छोटे छोटे काम में लगे हुए लोग भी समाप्त करें, जीवन स्तर अच्छा उठा सकें, वो भी कोई काम धंधा कर सकें, क्योंकि अनुसूचित जाति के लोग रिस्क लेने में माहिर नहीं है, वो रिस्क नहीं ले सकते, उनको डर लगता है क्योंकि उनके पास छोटी पूंजी होती है, थोड़ी पूंजी होती है, वो सोचते हैं ये यदि मैं बिजनेस करने वाला हूँ और बिजनेस करते हुए मेरी पूंजी मेरे को नुकसान हो गया तो मैं इसका क्या करूंगा, मेरा तो बचा बचाया भी खत्म हो जाएगा। इसलिए उद्यम में हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग कैसे आए। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भजन न्यूज़।